दोस्तों, फिल्मों और तस्वीरों में दिखने वाला खूबसूरत रेत का समंदर, जिसे हम रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान भले ही देखने में खूबसूरत दिखता हो, लेकिन यह उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ ना तो पीने के लिए पानी मौजूद होता है, ना ही खाने के लिए अनाज। और अगर गलती से कोई इंसान इस रेत के समंदर में फंस जाए तो उसका वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रेगिस्तान में इन भयावह स्थिति में भी कुछ जानवरों ने जिंदा रहना सीख लिया है, और ये जानवर इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक भी होते हैं। इससे पहले आप हमें ये बताइए, क्या आपने कभी रेगिस्तानी 2 फुट की छिपकली को देखा है? क्या आपने किसी 150 किलो के किसी पक्षी के बारे में सुना है जो घोड़े से भी तेज दौड़ता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में हम आपको रेत के समंदर में रहने वाले कुछ ऐसे अजीब और खतरनाक जानवरों के बारे में बताएंगे, तो जरा गौर से देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ अंतिम तक हमारे चैनल पर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 6, गीला मॉन्स्टर। खतरनाक रेतीले जानवरों के इस लिस्ट में छठे नंबर पर आता है गीला मॉन्स्टर। ये जानवर कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसके नाम से ही लगा सकते हैं। ये जहरीला जानवर मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है, और ये पूरी दुनिया में उन कुछ लिजर्ड में से एक है जो जहरीले होते हैं। धीमी रफ्तार से चलने वाला ये रेगिस्तानी छिपकली 2 फुट तक लंबा होता है। इसकी आंखें बहुत कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा दूर तक देख नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद गीला मॉन्स्टर अपने शिकार को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेता है। इसके लिए वो अपनी नाक और जीभ पर लगे सेंसर का इस्तेमाल करता है। इस जहरीले लिजर्ड की एक बाइट बहुत ही दर्दनाक होती है, जिसे आप शायद नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि ये किसी सांप की तरह अपने जहर को सीधे शिकार के शरीर में इंजेक्ट नहीं करता, बल्कि वो पहले अपने शिकार को काटता है और पूरी रफ्तार से अपने सिर को दाएं बाएं घुमाने लगता है, जिसकी वजह से शिकार के शरीर पर गहरा घाव हो जाता है। इसके बाद वो उस हिस्से को चबाने लगता है, जिससे उसके दांतों में मौजूद जहर शिकार के शरीर में चला जाए। गीला मॉन्स्टर जब किसी इंसान को काटता है तो उस इंसान को हाई ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग और बेहोशी जैसी तकलीफें झेलनी पड़ती है। हालांकि इस जहरीले लिजर्ड की वजह से आज तक किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है। बावजूद इसके, जब कोई इंसान इस छिपकली को देखता है तो वो उसे मार देता है, जिसकी वजह से इन छिपकली की जनसंख्या काफी कम होती जा रही है। नंबर 5, हॉर्नेड वाइपर। रेत के समंदर में रहने वाले दुनिया की सबसे खतरनाक जीवों की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है हॉर्नेड वाइपर। क्या आपने इसके बारे में इससे पहले सुना है कि इसकी आंखों के ऊपर सींग निकला होता है? नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में रहने वाले इस सांप की लंबाई सिर्फ 12 से 24 इंच तक होती है, लेकिन इसके बावजूद ये सांप बेहद ही खतरनाक होता है। इन सांपों के बनावट की सबसे खास बात ये है कि इनके आंखों के ठीक ऊपर किसी गाय या भैंस की तरह सींग बनी होती है, जिसकी वजह से ये दुनिया के हर सांपों में सबसे अलग दिखता है। इस सांप की एक और खास बात ये है कि शिकार के वक्त ये सांप खुद को पूरी तरह से रेत के अंदर छुपा लेता है, जिसकी वजह से कोई भी इस सांप को देख नहीं पाता। शिकार के समय इस सांप की सिर्फ आंखें ही रेत के बाहर होती है। उस वक्त रेत से बचने के लिए ही इस सांप की आंखों के ऊपर सींग बनी होती है। हॉर्नेड वाइपर के कई अलग अलग रंग होते हैं, जैसे ब्राउन, ग्रे, पीला और लाल। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये रेगिस्तान के हर इलाके में अपने आप को छुपा सके। बात अगर इस सांप के जहर की जाए तो इसका जहर काफी खतरनाक होता है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले तो काटे गए जगह पर स्वेलिंग आ जाती है, और उससे भी बुरी बात यह है कि उस जगह पर ब्लीडिंग नहीं रुकती। इसके साथ ही उस इंसान को चक्कर आना, पेट दर्द, उल्टी, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, कूगर। 4वें नंबर पर आता है पहाड़ी शेर या फिर चीता जैसा दिखने वाला जानवर कूगर। इसके बारे में एक चीज बहुत कॉमन है, इस जानवर की बनावट पूरी तरह से शेर की तरह होती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी उसे शेर और चीता जैसे जानवरों के लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। पता है क्यों? क्योंकि ये उन जानवरों की तरह दहाड़ नहीं सकता। रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले इस शेर जैसे जानवर की लंबाई 2.5 मीटर तक हो सकती है, और इस जानवर का वजन 100 किलो से भी ज्यादा हो जाता है, जो अपने से छोटे जानवर जैसे हिरण और रैकून का शिकार करता है। कूगर की सबसे खास बात यह है कि छिपने में इतना माहिर होता है
कि आप इसे तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक यह खुद आपकी नजरों के सामने ना जाए। आमतौर पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में रहने वाले जीव इंसानों से दूर ही रहता है, लेकिन जब कभी इंसानों से इस जीव को खतरा महसूस होता है तो ये इंसानों पर हमला करने से भी नहीं चूकता। अगर कोई इंसान सोचता है कि ये पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लेगा तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि कूगर किसी भी शेर या चीते से ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है और ये पेड़ों पर बड़े आसानी से चढ़ जाता है। अमेरिकी महाद्वीप पर अब तक 27 लोगों की जान इसी जानवर की वजह से जा चुकी है। कूगर अपने शिकार पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है, जिसकी वजह से कोई भी इस जानवर की पकड़ से बच नहीं सकता। ये जानवर सिर्फ प्रजनन के वक्त ही अपने साथी के साथ रहता है, वरना ये पूरी जिंदगी अकेले रहने वाला जानवर है। नंबर 3, शुतुरमुर्ग। रेगिस्तान में रहने वाले सबसे खतरनाक जीवों के इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रिच। ये नाम सुनकर हो सकता है आपको हैरानी हुई हो, लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि शांत सा दिखने वाला ये पक्षी कितना खतरनाक हो सकता है। इस पक्षी के खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक किक में ही किसी शेर या चीते की मौत हो सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि इसके सामने इंसान का तो क्या होगा। उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहने वाला शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है, यानी कि 9 फुट से भी ज्यादा, और इस पक्षी का वजन 150 किलो से भी ज्यादा हो जाता है। ये पक्षी उड़ तो नहीं सकता, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी अधिक होती है कि किसी घोड़े को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन इस पक्षी की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा होती है, और यही वजह है कि ऑस्ट्रिच को पूरी दुनिया में दो पैरों पर चलने वाला दुनिया का सबसे तेज रफ्तार का जीव या पक्षी भी कहते हैं। और इसके साथ इसकी टांगें इतनी मजबूत होती हैं कि एक बार में 16 फीट से भी लंबी छलांग लगा सकता है। इतना ही नहीं, खतरे के वक्त जब ये पक्षी किसी के ऊपर अपनी टांगों से हमला करती है तो उसके किक में उतनी ही ताकत होती है जिस रफ्तार से कोई ताकतवर घोड़ा किक मारता है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप रेगिस्तान में फंस जाएं और आपका सामना इस पक्षी से हो जाए तो क्या होगा। वैसे तो झुंड में रहने वाले ये पक्षी इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई इंसान इस पक्षी के रास्ते में आ गए तो इस पक्षी का झुंड इंसानों को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन बहुत ही कम मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जब किसी ऑस्ट्रिच ने इंसानों पर हमला किया हो। नंबर 2, वेस्टर्न डायमंडबैक रटल स्नेक। अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाने वाला ये रटल स्नेक जंगलों, घास के मैदानों और पथरीली पहाड़ियों जैसे इलाकों में रहते हैं, लेकिन ये खतरनाक रटल स्नेक रेगिस्तान में भी रहना सीख चुका है। अगर बात इस सांप के जहर की करें तो इस सांप में बाकी सांपों के मुकाबले बहुत ही अधिक जहर होता है। इसके खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये सांप एक बार काटता है तो 800 मिलीग्राम से भी ज्यादा जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है। इतनी मात्रा में जहर से 50 से अधिक इंसानों की मौत हो सकती है। इसलिए अगर आप कभी रेगिस्तानी इलाकों में जाएं तो अपने नजर को चौकन्ना जरूर रख लेना। अगर आप चौकन्ना रहे तो इस सांप का पता लगा पाना बहुत आसान है। अब आप पूछेंगे, वो कैसे? इन सांपों का कलर ग्रे और ब्राउन होता है, इनकी बॉडी पर सफेद धारियां होती है, साथ इनके सिर पर ब्लैक कलर की लकीर बनी होती है। इस रटल स्नेक की खोपड़ी ट्रायंगल शेप में होती है और इसकी पूंछ पर सफेद और काले रंग का घेरा बना होता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप इस सांप को नहीं देख पाए तो आप इसकी आवाज से इस सांप का अंदाजा जरूर लगा लेंगे, क्योंकि सांप की पूंछ झुंझुने जैसी होती है जिससे लगातार आवाज आती रहती है, और यही वजह है कि इस सांप को रटल स्नेक कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे अमेरिका में आज तक जितने भी लोगों की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है, उनमें से सबसे ज्यादा मौतों की वजह वेस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक की है, क्योंकि इस सांप के काटने के बाद तत्काल इलाज नहीं हो पाने की वजह से इंसान का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और रेगिस्तान के बीच में ऐसे किसी जहरीले जानवर के काटने के बाद उसका तत्काल इलाज हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यही वजह है कि पूरे अमेरिका में सांपों से हुई मौत के मामले में वेस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक सबसे बड़ी वजह। तो दोस्तों, ये थे रेत के समंदर यानी रेगिस्तान में रहने वाले दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जीव, जिन्होंने रेगिस्तान के भीड़ों में भी जीने का तरीका ढूंढ लिया। वैसे कभी आपने रेगिस्तान में किस तरह के खतरनाक जीवों का सामना किया है हमें कमेंट में बताना, और अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ आपके लिए दुनिया में से ढूंढकर ऐसी चीजें जो शायद ही किसी अन्य चैनल पर मिले। तब तक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।